हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, और बहुत सारे लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है। और अभी हम हाईलाइट्स को कवर नहीं करने वाले, डायरेक्टली मैं आप सभी को अपडेट्स को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट अपडेट के अंदर बात की जा रही है किस तरीके से अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं या बार्टर सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। और ये जो फुटेज है तंजानिया की तरफ से आ चुकी है किस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं पाई नेटवर्क को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और जितने भी रियल पाइनियर्स हैं पाई नेटवर्क को डेली बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है पाई नेटवर्क किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, किन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। और यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है वो भी हमें एक्टिवली परफॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बाय करने को मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी पाई की फॉर्म में, तो आप बाय कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये बताया जा रहा है जॉब के रिलेटेड, पाइको टीम ने बेसिकली इस चीज़ का अपडेट किया है। जॉब्स एट पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क के अंदर अभी जॉब्स की वैकेंसी आई है सोशल चेन के बिहाफ पे, और यहाँ पे ब्लॉकचेन क्रिप्टो कम्युनिटी मैनेजर की बेसिकली जो पोस्ट है वो हमें यहाँ पे खाली होती हुई देखने को मिलती है। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा गया सोशल चेन करके क्रिप्टो करेंसी फॉर एवरीडे पीपल फीलिंग ग्लोबल इंक्लूसिव पीयर टू पीयर। पाई नेटवर्क का जो मेन मोटिव है यही है कि डेली बेसिस पे हम पाई कॉइन को यूज़ करें, इसीलिए पाई नेटवर्क जो भी चीज़ें करता है अभी हाल फिलहाल के अंदर प्रमोशंस एडवर्टाइजमेंट, इसमें यही टारगेट किया जाता है कि जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं या जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं हर जगह पे आपको पाई की पेमेंट्स देखने को मिलती है। तो जो भी लोग मतलब इस फील्ड के हैं, क्रिप्टो फील्ड के हैं, ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग नॉलेज रखते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाती है। यहाँ पे लोकेशंस वगैरह भी मेंशन की गई हैं, जैसे लोकेशन के अंदर सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। और यहाँ पे जॉब टाइप फुल टाइम आपको देखने को मिलेगा, वीज़ा स्पॉन्सरशिप यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, जो कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है वीज़ा का, ठीक है। अबाउट योर रिक्रूटमेंट, ठीक है, यहाँ पे कौन करने वाला है, शिन वेंग करके हैं जो करने वाले हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये शिन वेंग हैं, ये एम्प्लॉई हैं, और प्रॉपर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि कितने टीम मेंबर्स बेसिकली चाहिए। तो मेजरली यहाँ पे 2-3 की बात की जा रही है जो आपके साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आई होप सो अगर आप इस फील्ड के हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मीटिंग के बारे में, जो कि 28 जून को हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो पाई का सेकंड जो स्पेशल डे है उसी दिन है, और यहाँ पे मेगा एक्सेस स्पेस होने वाला है। डिस्कवर द नेक्स्ट मंथ बिग थिंग, क्या क्या अगले महीने में चीज़ें होने वाली है या 28 जून के बाद आपको क्या क्या नया देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमें डिस्कशन देखने को मिलने वाला है। डेट 28 जून फ्राइडे 1 PM UTC, जो कि इंटरनेशनल टाइमिंग है। ड्यूरिंग दिस इवेंट वी विल डिस्कस द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम पाई नेटवर्क। अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या लेटेस्ट अपडेट्स है इसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, पता किया जाएगा PCM के अंदर क्या क्या फ्यूचर में और चीज़ें हो सकती है। और आप सभी का जो अनाउंसमेंट्स है किसके रिलेटेड, विनर्स के रिलेटेड, जो कि पाई का सेकंड स्पेशल डे गिव अवे था, वो भी वहाँ पे आपको क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ आवर विब्रेंट कम्युनिटी एंड गेन्स इनसाइट इनटू द नेक्स्ट बिग डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ PCM। तो PCM के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे न्यूली सब कुछ पता लगने वाली है, क्या क्या ये नया करने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये भी आउटसाइड कंट्री की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर प्रमोशंस वगैरह किए जा रहे हैं, उसके साथ जो GCV वैल्यूएशन है उसका भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब चाहे इकोनॉमिकल वे में कोई कंट्री एक तरीके से कम है या ज़्यादा है, हर कंट्री के अंदर हमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रमोशंस देखने को मिल ही जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है ओपन मैनेंट के रिगार्डिंग, क्या 28 जून को हमें ये देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दूँ कि पाइको टीम की तरफ से कोई भी अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट नहीं आई है जिसके अंदर साफ साफ क्लियर किया गया हो कि आपको 28 जून को ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। जो भी कुछ होगा आपको आगे पता चल जाएगा, बट यहाँ पे जो 3 कंडीशंस हैं, KYC हो गया और एप्लीकेशन जो कि यूटिलिटी पे बेस्ड है या कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर ये 3 चीज़ सक्सेसफुली परफॉर्म होती है तब हमें पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिलेगी।
और पाई नेटवर्क को माइन करने वाले किसी एक कंट्री से लोग नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट कंट्री से लोग हैं जो पाई नेटवर्क को माइन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सभी देखोगे किस तरीके से लोग नॉट्स की हेल्प लेके एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को माइन कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी पाई को माइन करना कहीं ना कहीं टफ हो चुका है अगर हम पहले से कंपेयर करें जब ये स्टार्ट हुआ था। और ये अच्छी चीज़ है, अगर पाई कॉइन्स लिमिटेड रहेंगे तभी हमें इसका जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छा जाता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे काम करती है जैसा बिटकॉइन के केस में था। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो मंथ है प्रॉपर तरीके से आप फुटेज शेयर कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पर भी पेमेंट कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, KYC कंप्लीट हो गई, सब कुछ आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो जैसे कि लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे फन फैक्ट की बात की जा रही है, June 28 को जैसे पाई नेटवर्क का सेकेंड स्पेशल डे है, उसी तरीके से June 28 को इलॉन मस्क का बर्थडे भी है। तो ये बेसिकली कोइंसिडेंस है जो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है अ पायनियर सेड दैट हिज फ्रेंड ओपन अ न्यू स्टोर। एक पायनियर का फ्रेंड ने एक स्टोर को ओपन किया और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो भी पाई की फॉर्म में, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो। और यहाँ पे डेट्स वगैरह को भी मेंशन किया गया है, जो कि 26 यहाँ पे डेट वगैरह लिखी। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन से ऐसे पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जिस वजह से पाई नेटवर्क एक ग्रोइंग क्रिप्टोकरेंसी बनेगा, क्या ऐसे की फैक्टर्स है, उसके हम यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात की जा रही है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में, और किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के अंदर सबसे जरूरी चीज़ होती है वो ब्लॉकचेन होती है। द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन मस्ट एंश्योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। और पाई नेटवर्क का जो मेन मोटिव है ब्लॉकचेन को लेके कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे सिक्योरिटी भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज जो क्रिप्टोकरेंसी होती है यहाँ पे सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ना के बराबर होती है, बट यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनहेंस किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है यूज़र वेरीफिकेशन। यूज़र वेरीफिकेशन भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमें KYC देखने को मिलती है, और पाई नेटवर्क KYC में बहुत ही डिटेलिंग में काम कर रहा है। हर किसी की KYC वेरीफाई नहीं कर रहा, जो सही तरीके से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो रियल पाइनियर्स हैं उनकी ही KYC वेरीफाई हो रही है। और आप रियल पाइनियर्स हो फिर भी आप क्वेश्चन करते हो कि हमारी KYC वेरीफाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट में या कोई ना कोई गलती कर रखी है अपलोडिंग में, जिस वजह से आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा। तो आप सही तरीके से फॉर्म को फिल करो। और लिखा गया कंडक्ट यूज़र वेरिफिकेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट फेक अकाउंट्स एंड एस्टैब्लिश अ ट्रस्टवर्दी कम्युनिटी। और पाई नेटवर्क बेसिकली यही चाहता है कि जितने भी स्कैमर्स हैं उनके अकाउंट वेरीफाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ रियल पाइनियर्स के अकाउंट वेरीफाई हो। इससे बेनिफिट ये होगा जो रियल पाइनियर्स हैं जिन्होंने लिमिटेड पाई कॉइन्स को माइन कर रखा है, उसका जब वैल्यूएशन आएगा ऑफिशियली तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन आएगा और धीरे धीरे करके वो अच्छा खासा इंक्रीज़ कर लेगा, ठीक है। और इससे पाईको टीम को भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर स्कैमर्स का भी अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपसे कहीं ज़्यादा उसके एक अकाउंट में कॉइन्स हैं, तो उस हिसाब से जो मार्केट का वॉल्यूम है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा। इससे पाईको टीम को भी लॉस होगा और आप सभी पाइनर्स को भी लॉस होगा, क्योंकि आपने इतना टाइम लगा के माइन किया है, बट जो स्कैमर्स हैं कुछ ही घंटों के अंदर पता नहीं किस तरीके से नॉट्स की हेल्प लेके, इलीगल हेल्प लेके अच्छे खासे पाईकॉइंस को माइन कर पाते हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली रोकने के लिए यहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है डेवलपमेंट अ कंप्लीट पेमेंट सिस्टम। ये डेवलप कर रहे हैं एक प्रॉपर तरीके से एक पेमेंट सिस्टम को, जिसके अंदर आपको हर तरीके से पेमेंट देखने को मिलने वाली है। इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, नेशनल पेमेंट्स करनी है, हर टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। और लिखा गया है बिल्ड अ कॉम्प्रीहेंसिव पेमेंट सिस्टम दैट एनेबल यूजर्स टू एक्सचेंज एंड यूज पाई कॉइन एज अ डिजिटल करेंसी। इस तरीके से एनेबल किया जाएगा कि आप इजीली एक तो एक्सचेंज कर पाओगे, उसके साथ आप पाई कॉइन को वैसे डिजिटल करेंसी यूज़ कर पाओगे, और बेसिकली पाई कॉइन डिजिटल करेंसी ही है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी ग्रोथ एंड रियल वर्ल्ड अडॉप्शन। जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से इसमें ग्रो कर रही है और रियल वर्ल्ड अडॉप्शन, जैसे अभी की आजकल की दुनिया है तो पेमेंट आप सभी को पता है किस तरीके से एनहेंस हो चुका है। जो फिएट करेंसी है या जो फिजिकल अमाउंट ऑफ मनी है उसको हम कम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन UPI वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और धीरे धीरे करके लोग क्रिप्टो करेंसीज की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी पेमेंट्स अनेबल होती हुई आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है, इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जाती है। और लिखा भी गया है एनहेंस कम्युनिटी ग्रोथ एंड प्रमोट रियल वर्ल्ड यूसेज ऑफ पाई कॉइंस इन अ बिजनेस एक्टिविटीज एंड डेली ट्रांजेक्शंस। तो ये जो दो चीज़ लिखी गई है डेली ट्रांजेक्शन और बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आप देखते होंगे कि नई नई शॉप्स वगैरह ओपन हो रही है पाई नेटवर्क के नेम से, या जो पुरानी शॉप्स हैं वहाँ पे पाई नेटवर्क की जो पेमेंट्स है वो हमें अनेबल होती हुई देखने को मिलती है, और जो भी डेली बेसिस में हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी हम पेमेंट कर पाते हैं पाई कॉइन की फॉर्म में, या जो एक्सपेंसिव चीज़ होती है उसकी भी हम पेमेंट कर पाते हैं। इसके आप प्रूफ देख पाते हो फिलीपींस के, नाइजीरिया के, USA के, इंडिया के और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है
पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशन। पाई नेटवर्क पार्टनरशिप भी करने वाला है और धीरे धीरे कुछ एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है और भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जैसे अलीबाबा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ई कॉमर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पाई नेटवर्क धीरे धीरे करके सारी चीज़ें रिवील करने वाला है। इस्टेब्लिश पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेट विद अदर प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज टू एक्सपेंड रीच एंड यूटिलिटी ऑफ पाई कॉइन। अलग अलग जगह पे प्रमोशंस करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, पार्टनरशिप्स करेगा, उससे ओवरऑल सभी की यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। सिक्स पॉइंट है कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिप्टोकरेंसीज़ के अंदर, क्योंकि रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस को मानना बहुत ज़रूरी है, तभी एडॉप्शन होगा। कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज़ को सपोर्ट मिल रहा है, बट उस लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, या हर गवर्नमेंट की तरफ से सेम सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करती क्रिप्टो करेंसीज़ को, और इंडिया की हम स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो TDS है, जो टैक्स है, हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है 30% के आसपास। USA पे 7% से लेके 37% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इसको रिड्यूस करना चाहिए, जिससे कि लोग और ज़्यादा यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू करें। और यहाँ पे लीगल टर्म्स में अगर कोई भी क्रिप्टो है, जैसे पाई नेटवर्क है, अपने आप को अप्रूव करता है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल तरीका है पेमेंट का, उसमें भी एक्सेप्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ। जैसे कि बिटकॉइन की पेमेंट, ETH की पेमेंट होंडा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, इन्होंने ऑफिशियल अपडेट्स दिए हैं, और फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, क्योंकि फाइनेंस अब बहुत ही तेज़ी से रैपिडली चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स की बेसिकली बात की जा रही थी। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।